हम पिछली क्लास में डिस्कशन करते फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, लेकिन पाइथन उस प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं आपको फिर से वो प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा जो हमने 14 जुलाई को डिजाइन किया था। तो ये 14 जुलाई का प्रोग्राम था जिसमें दो फोर्स फंक्शन डिफाइन किए थे। होता क्या कि पाइथन जब मल्टीपल फंक्शन एक ही नाम के लिखता है तो सबसे जो लेटेस्ट होता है उसी को प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे क्योंकि दो पैरामीटर वाला फंक्शन था तो इसको प्रायोरिटी मिल रही थी। हमने इसको कुछ हिस्से से डिजाइन किया था, ये वर्क नहीं कर रहा था दोस्तों। सिस्टम कह रहा था कि आपको दो पैरामीटर भेजने, लेकिन आपने एक ही पैरामीटर भेजा है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्टेप वन क्या होगी, हम स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे। और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हम जानते कि हमारे पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो पाइथन में किसी भी नए मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड चलाना पड़ता है। रन पिप कमांड, इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल टू सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो लास्ट टाइम हमने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं किया था, इस कारण से फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क नहीं कर रही थी, जिसके लिए कमांड है दोस्तों। ये कमांड आपको रन करना है। कभी कभी एरर आ जाता है, इन केस ऑफ एरर अनेबल टू फाइंड सर्वर, ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो उस केस पर आप लिखेंगे सेट एचटीटीपी प्रॉक्सी इक्वल टू एम्प्टी। तो मेरे सिस्टम में दिक्कतें आती हैं, इस कारण से जब भी मैं इसको रन करता हूं तो हमेशा पहले मैं एचटीटीपी प्रॉक्सी को एम्प्टी सेट कर देता हूं और फिर इस कमांड को मैंने रन किया है। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमने स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और यहां पे एक ऑप्शन है रन एस कमांड प्रॉम्प्ट रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, और यहां पे आपको लिखना है pip3 इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच। आगे चल के हम और भी बहुत सी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। अब क्योंकि मैं पहले से ही इसे इंस्टॉल कर चुका हूं तो मैसेज आ रहा है कि आपने सिस्टम में पहले से ही इसे इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी इस कारण से एरर आएगा, सॉरी आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहली स्टेप आप बिजली कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कमांड की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, नाउ इन अवर प्रोग्राम इंपोर्ट डिस्पैच फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच। हमने कुछ दिन पहले इंपोर्ट के बहुत सारे टेक्निक सीखे थे, तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि मल्टीपल डिस्पैच में जो डिस्पैच नाम का मॉड्यूल है वो मुझे चाहिए। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे,
यूज एनोटेशन एक तरह का मार्कर होता है। बिफोर फंक्शन डेफिनेशन एस, जैसे आप लोगों के लिए जो मैंने कोडिंग बनाई थी लास्ट टाइम उसको मैंने फिर से डिजाइन कर दिया है, तो जो प्रोग्राम ने लास्ट टाइम सिखा था ये वही प्रोग्राम है। हमने कहा कि फॉर्म मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच, और मैंने जो दो फंक्शन बनाए उनके आगे मैंने एनोटेशन लगा दिया, दिस नोन एज एनोटेशन प्रोसेस। मैं सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं इट इज टेकिंग वन वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट। जब मैंने सेकेंड फंक्शन बनाया तो सिस्टम को मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं फिर से एक नया फोर्स फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें एक नहीं बल्कि मैं दो पैरामीटर भेजना चाहता हूँ, फ्लोट फ्लोट। बाकी जो कोडिंग है वो वैसी की वैसी है, रिमेनिंग पार्ट इज सेम एज 14th July। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें फंक्शन लोडिंग करनी हो तो सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन पे जाना पड़ता है, जिससे कि PIP3 के थ्रू हम मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल को इंस्टॉल कर पाए। बाई चांस अगर आपके सिस्टम में प्रॉक्सी एरर आ रहा है तो आप सेट STDB प्रॉक्सी को MT सेट करेंगे। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको मल्टीपल डिस्पैच से डिस्पैच को इम्पोर्ट करना होगा, और जो भी फंक्शन लोडिंग करेंगे वहां पर एनोटेशन लगा देंगे। अब यहां पर मैं फ्लोट दिखाया, सिंगल फ्लोट मींस वी आर पासिंग सिंगल पैरामीटर ऑफ टाइप फ्लोट, क्योंकि मास फ्लोट में भी हो सकता है। लेकिन जब हमने सेकेंड फंक्शन बनाया तो हमने यहां पे एनोटेशन भेजा, वी आर पासिंग टू फ्लोट पैरामीटर्स। तो बस सिस्टम को पता चल गया कि फोर्स को दो तरह से यूज कर सकते हैं, तो सिंगल फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में या दो फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि वर्क करता है या नहीं। तो ये वही ओरिजिनल प्रोग्राम है जो हमने 14 जुलाई को डिजाइन किया था, अब इसे रन किया जाए। हमने मास का 1.0, अब यहाँ पे 1 मत लिखिएगा, अगर आप 1 लिखेंगे तो इंटीजर मानेगा उसे, हमें लिखना पड़ेगा 1.0, और एक्सेलरेशन दे रहे हैं 10.0। तो सिस्टम कह रहा है कि पहला हमें आंसर मिलेगा 9.8 जबकि सेकेंड हमें आंसर मिलेगा 10.0। क्यों? क्योंकि पहले को हमने 9.8 से मल्टीप्लाई किया जबकि सेकेंड को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम समझेंगे कैसे ये काम करता है और फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। हमने पढ़ा था दोस्तों कि स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया था कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टर होता है 2 × 1, जिससे हम लिख सकते हैं 2 × फैक्टर ऑफ 1, 3 का फैक्टर होता है 3 × 2 × 1, जबकि 2 × 1 तो ऑलरेडी 2 के फैक्टोरियल में है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 × फैक्टर ऑफ 2। इसी तरह से अगर ये 4 होता तो हम लिखते 4 × 3 × 2 × 1। अब 3 × 2 × 1 ऑलरेडी 3 के फैक्टोरियल में, तो ये बन जाएगा 4 × 3 × इन जन अगर ये n है तो ये हो जाएगा n × n-1 का फैक्टोरियल। अब इसे हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसमें अगर n 0 है या 1 है तो हमें आंसर 1 मिलेगा, लेकिन अगर n greater than 1 है तो हमें मिलेगा n into
एफ ऑफ एन माइनस वन। और हमने कहा था कि जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है रिकर्जन कहलाता है, तो यहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्सिव पार्ट है। जबकि ये एक टर्मिनेशन कंडीशन है, अब जैसे मैं आपको 4 का फैक्टर निकाल रहा हूँ कि 4 का फैक्टर कैसे निकलेगा, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो हमें 24 आंसर मिलना चाहिए। हमने कहा एफ ऑफ 4, हमें चेक करना है कि एन अभी हमने जो दिया है वो लेस देन इक्वल टू 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टर ऑफ 3। फिर से वही फंक्शन को लगे एन की नई वैल्यू होगी 3, लेकिन अभी भी ग्रेटर देन 1 है, इस कारण से हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 2। अब n की नई वैल्यू मिल गई जो कि अभी भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1। अब n की वैल्यू 1 हो चुकी है, और हमने कहा था कि जब भी n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो उस केस में 1 आंसर मिलेगा, तो मैं आंसर 1 मिल गया। अब ये लिखा था 2 इंटू एफ वन, अब हमें एफ वन की वैल्यू मिली है, हमें एफ वन की वैल्यू मिली है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 बिकम्स 2, ये 2 ऊपर आ गया, तो 3 इंटू 2 कितना 6, ये 6 ऊपर आ गया, और 4 इंटू 6 24। हमें रिकर्जन के टाइप की बात करनी है, तो पहला तो ये डायरेक्ट रिकर्जन है क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। सेकंड, यहां पे एक लीनियर चेन बन रही है, तो ये एक लीनियर या टेल रिकर्जन है। तो अब हम इसका देखना चाहेंगे प्रोग्राम, जिसके हम कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आइडियली ओपन किया हुआ है, तो मैं इसी में प्रोग्राम बना लेता हूँ। बाकी हमने इससे पहले PyCharm और विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल किया हुआ है, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम हमेशा सेम रहेगा, आप कोई भी आईडी यूज़ करें। पहली स्टेप में फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, फंक्शन डेफिनेशन। हमने पढ़ा था कि हम लिखना पड़ता है वर्ड df। अब जैसा हमने फिगर बनाया था वैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हमने फंक्शन का नाम सोचा था f, तो हम फंक्शन का नाम रख रहे हैं f, और इसे एक पैरामीटर चाहिए n। अब कंडीशन क्या है कि क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर हाँ तो रिटर्न 1। ठीक है, पाइथन कितनी अच्छी लैंग्वेज है, जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे हम प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं कि भाई अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में 1 मिलना चाहिए, बाकी सभी केसेस में क्या मिलना चाहिए, तो n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1, तो ये कहलाएगा रिकर्सिव पार्ट। जबकि ये हमने देखी टर्मिनेशन कंडीशन, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हर रिकर्सिव फंक्शन में ऐसा होता है। अब हमें बनना है मेन प्रोग्राम, हालांकि जरूरी नहीं कि मेन प्रोग्राम बनाए, लेकिन हम प्रैक्टिस ऐसी करेंगे कि मेन प्रोग्राम भी बनाए। तो अब हम यूजर से कह रहे हैं एंटर नंबर, हम यूजर से कह रहे हैं कि आपको जो भी नंबर चाहिए वो नंबर इनपुट कीजिए। हम लिख रहे हैं m इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n, इससे हम कहते हैं स्टेप सेकेंड कॉलिंग द फंक्शन। हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम हमने जो एफ नाम का फंक्शन बनाया उसे कॉल कीजिए, और अब हम रिजल्ट शो करना चाहेंगे, प्रिंट
फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू एम। हम सिस्टम से कह रहे हैं कि हमें फैक्टर प्रिंट करके दीजिए, लेकिन हम जानते कि मेन फंक्शन भी डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, तो उसके से मेन फंक्शन कॉल हो। हमेशा की तरह से मैं फिगर से समझाऊं तो और शायद बेहतर समझ पाएंगे हम लोग। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो पाइथन यहां से एंट्री करेगा, और हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम जब भी आपको मेन की जरूरत हो आप इस पे चले जाइएगा। अब सिस्टम हमें मेन फंक्शन के पास लेके चलेगा, यह मेन फंक्शन के पास आ गया। अब हमसे एक नंबर पूछेगा दोस्तों, लेट की वो नंबर मैंने 4 दिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 4 दिया था, फिर ये लाइन चलेगी। लेकिन जैसे ये लाइन चलेगी तो हमारा सिस्टम हमें लेके चलेगा इस फंक्शन के पास, और यहां पे वैल्यू पास हो जाएगी 4। और अभी हमने एक फिगर देखा था कि जब हमने F4 लिखा था तो ये हो गया था 4 into F3, फिर हो गया था 3 into F2, फिर हो गया था 2 into F1। ये पूरा सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 24। यहां से 24 रिटर्न बैक होगा, यहां से 24 रिटर्न बैक होगा, और सबसे लास्ट में ये वाली लाइन चलेगी। जहां पे सिस्टम प्रिंट करेगा कि 4 का फैक्टोरियल 24 था, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब जैसे हमने फिगर समझा था वैसे हो रहा है कि पहले हमसे एक नंबर पूछा जा रहा है, तो हमने कहा 4, तो सिस्टम कह रहा है कि 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं दोस्तों थर्ड नाम से। अगर हम चाहते तो खराब प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे, खराब प्रोग्रामिंग में हमें ये सब कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे, अगर हम चाहें तो ऐसे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑप्शंस में शो लाइन नंबर, तो पहले लाइन नंबर 9th में जाएगा, फिर 10th में जाएगा, 10th हमें सेकंड लाइन पे ले जाएगी। तो हम चाहें तो ऐसे भी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन हमने जो पहले टेक्निक सीखा उसको समझने में आसानी होती है। बाकी आप अगर देखें तो इसमें भी वर्क करेगा, तो 5 का फैक्टर में मिलेगा 120। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों वर्जन्स घर में ट्राई कीजिएगा विदाउट मेन फंक्शन, और सेम वही प्रोग्राम यूजिंग मेन फंक्शन। तो विथ मेन फंक्शन भी आप डिजाइन कर सकते हैं, विदाउट मेन फंक्शन भी डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों।
यहाँ हमने फंक्शन का नाम एफ दिया है, लेकिन हम चाहे तो फंक्शन का नाम कुछ मीनिंगफुल भी दे सकते हैं। जैसे हम चाहते तो फंक्शन का नाम फैक्टोरियल दे सकते थे। तो जहां जहां मैंने एफ लिखा वहां पे मैं पूरा फैक्टोरियल लिखूंगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि यहाँ तो वो फैक्टोरियल कर देते लेकिन यहाँ पे भी अभी वो एफ रहने देते, जबकि यहाँ पे भी फिर आप लोगों को नाम चेंज करना होगा और यहाँ भी नाम चेंज करना होगा। तो फिगर में समझाने के लिए मैंने एफ लिखा था, लेकिन जब हम प्रोफेशनली कोई इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में हम एक मीनिंगफुल नेम देंगे जिससे कि एक्सपर्ट को पढ़ने में आसानी हो कि हम किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब जैसे मैं दे रहा हूँ 6, जिसका फैक्टर होता है 720, तो मैं आंसर मिलेगा 720। अब हम रिकर्जन की नेक्स्ट एग्जांपल पे आना चाहेंगे जो कैंपस में भी पूछा जाता है। फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन, अर्लियर वी हैव कवर्ड इट यूजिंग आइटरेटिव या लूप अप्रोच। डेफिनेशन में आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट टू टर्म्स आर फिक्स्ड विथ वैल्यू 0 and 1। सक्सेसिव टर्म्स कैन बी कंप्यूटेड बाय सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो बाकी जितनी भी टर्म्स निकलेंगी वो प्रीवियस टू टर्म्स के सम से निकलेंगी। तो क्यों ना इसका एक फिगर बनाया जाए कि कैसे रिकर्सली वर्क करेगा, हाउ इट वर्क्स। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं एन और एक तरफ हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन का मतलब है एन की डिफरेंट वैल्यू पर हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो एन यहाँ पे जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम जानते हैं कि पहली वैल्यू फिक्स है 0, नेक्स्ट वैल्यू फिक्स है 1। अब जो बाकी टर्म्स निकलेगी वो सम्स निकलेंगी, तो इन दोनों का सम आएगा 1, तो यहाँ पे 1। इन दोनों का सम आएगा 2, इन दोनों का सम आएगा 3, और इन दोनों का सम आएगा 5, और इन दोनों का सम आएगा 8। अब बस हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एक फंक्शन के फॉर्म में। तो यहां पे हम एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ एन। यहां पे रूल है अगर एन जीरो तो हमें जीरो मिलेगा, एन वन है तो वन मिलेगा, लेकिन अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो हमें मिलेगा दो टर्म्स का सम, एन माइनस टू और एन माइनस वन। देखिए दोस्तों, करंट टर्म का नाम है एन, तो दो पीछे को हम कहेंगे एन माइनस टू और एक स्टेप पीछे को हम कहेंगे एन माइनस वन। अब जैसे मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, हम एफ फोर निकालने की कोशिश करें कि एफ फोर पे क्या रिजल्ट आएगा। अब ये ना ही जीरो है ना ही वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। अब फिर से फंक्शन कॉलोगे लेकिन अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा एन माइनस टू, तो टू माइनस टू जीरो प्लस एन माइनस वन, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। अब हम जानते हैं कि जीरो पे हमें जीरो मिलता है, वन पे हमें वन मिलता है,
यहाँ भी वन मिलेगा, लेकिन ये जो एफ टू ये फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा, एफ जीरो प्लस एफ वन। एफ जीरो प्लस एफ वन, अब यहां पे मैं जीरो मिलेगा और यहां पे मैं वन मिलेगा क्योंकि वन पे वन आता है। अब जितने भी वन उनको ऐड कर लीजिए, तो आंसर होना चाहिए थ्री, जो कि करेक्ट आंसर है कि जब भी एन फोर होगा तो उसका रिजल्ट आना चाहिए थ्री। अब अगर हम रिकर्जन के टाइप की बात करें तो रिकर्जन का टाइप हो गया डायरेक्ट रिकर्जन, साथ साथ यहां पर टेल नहीं बन रही है, यहां पे ट्री बनता जा रहा है क्योंकि फंक्शन अपने आप को दो बार कॉल कर रहा है। तो ये एग्जांपल था बाइनरी रिकर्जन का। हमने जैसा इसका फिगर डिस्कस किया वैसा ही हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। तो सभी हम जानते हैं कि पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, और जैसे कि हमने कहा था कि रिकर्जन को इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है, जैसा हमारा फिगर है वैसी प्रोग्रामिंग बनेगी। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है एन, और तीन कंडीशन देनी है। तो फंक्शन का हमने नाम दिया एफ और एन, इसे एक वैल्यू एन चाहिए। अब पहला रूल क्या था कि कहीं एन जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो उसके इसमें रिटर्न होगा जीरो। एल इफ, हमने काफी दिन पहले पढ़ा था एल्स इफ, अगर एन वन है तो रिटर्न होगा वन, लेकिन अगर ये कंडीशन भी नहीं है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, हालांकि हम ग्रेटर देन वन भी लिख सकते हैं लेकिन मैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू लिख रहा हूं, तो उसके इसमें रिटर्न करना पड़ेगा एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन। तो जैसा हमने इस फिगर में देखा था सेम वैसे हमने प्रोग्रामिंग किया है, लेकिन हम जानते कि एंट्री यहां से होगी। पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम ब्लू लाइन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि घर में आप मेन फंक्शन बनाएंगे, यहां पर मैं मेन फंक्शन के बिना प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। तो हम यूजर से कहेंगे कि एक नंबर इनपुट कीजिए m इक्वल टू इवेल इनपुट एंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू जनरेट। ये एक सीरीज है और सीरीज में टर्म्स होते हैं, तो यूजर से हम कहेंगे कितने टर्म्स चाहिए। अगर हम काउंट करें तो इसमें कितने टर्म्स थे, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स टर्म्स थे। तो हमें कितने टर्म्स निकालने उसके लिए हम एम यूज करेंगे। हमने एक फॉर लूप सीखा था, फॉर एन इन रेंज जीरो से लेके एम प्लस वन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे फॉर लूप में हमेशा देना पड़ता है रेंज में स्टार्ट से लेके जो भी एंड वैल्यू प्लस वन। और हर बार हम क्या निकालना चाहेंगे, हम निकालना चाहेंगे फिबोनाची सीरीज। तो हम लिखना चाहेंगे प्रिंट और फिर एफ ऑफ एन, और हम चाहेंगे कि बीच में गैप आए। तो जैसे स्लैशन से लाइन चेंज होता है वैसे स्लैशटी से गैप आ जाता है। स्लैशटी को हम कहते हैं टैप कैरेक्टर, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, जो सिक्स स्पेसेस देता है। तो हर वैल्यू के बाद स्पेस आ जाएगा, तो उसको हम रन करके देखना चाहेंगे। हम सीख रहे नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने कहा सेवन टर्म्स या सिक्स टर्म्स कह देते हैं, तो
तो देखिए दोस्तों, सिक्स टर्म्स आ गई जीरो। अब देखिए स्लैश टी का बेनिफिट, ये स्पेस आ गया 0, 1, 1, 2, 3, 5 और 8। तो जैसा हमने फिगर में देखा था वैसे ही प्रिंट हुआ। अगर आप m की कोई बड़ी वैल्यू डालते तो और भी टर्म्स प्रिंट हो जाती। दोस्तों अभी हमने सीखा फिबोनाची सीरीज, अब आपसे मैं घर में उम्मीद क्या करूंगा? पहला मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं डिजाइन अबव प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज बाय डिफाइनिंग मेन फंक्शन। आपको याद होगा अभी जब फैक्टर का प्रोग्राम सीखा था तो हमने फैक्टर के प्रोग्राम को दो तरह से बनाया था, एक तो बिना मेन फंक्शन के, दूसरा मेन फंक्शन के साथ। तो मैं चाहूंगा क्या फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को भी मेन फंक्शन के थ्रू डिजाइन करें। सेकंड मैं आपसे उम्मीद करूंगा डिजाइन प्रोग्राम फॉर ट्रिबोनाची सीरीज यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब इसके रूल क्या चलते हैं? ट्रिबोनाची सीरीज कहती है फर्स्ट थ्री टर्म्स आर फिक्स्ड, जो कि 0, 1, 1। रिमेनिंग टर्म्स आर सम ऑफ प्रीवियस थ्री टर्म्स। तो जहां पहले हम दो टर्म्स का एडिशन निकालते थे वहां पे यहां पे थ्री टर्म्स का एडिशन निकलता है। जैसे जैसे मैं फिगर से समझाऊं तो आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा। तो हम एक फंक्शन बनाना है n, जिसमें कंडीशन देने की कहीं n जीरो तो नहीं है। अगर जीरो तो जीरो आंसर आएगा, अगर n वन है तो हमें वन आंसर मिलेगा, अगर n टू है तो भी हमें आंसर वन मिलेगा, लेकिन अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो हमें तीन टर्म्स का एडिशन निकालना है। एक तो तीन पीछे, एक दो पीछे और एक एक पीछे। तो जिस फ्रेंड को मैंने फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम सिखाया हुआ है वो उसी प्रोग्राम को देख के ट्रिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकता है। तीसरा मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, चेंज फैक्टोरियल प्रोग्राम टू समीशन प्रोग्राम, जिसके लिए मैं हिंट ऊपर लिख रहा हूं कि क्या करना है हमें। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां फिगर बना रहा हूं। दोस्तों फैक्टोरियल में हम ऐसा करते थे, फैक्टोरियल फोर में करते थे 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन जब हम समीशन निकालते तो हम उस केस में आपस में ऐड करते हैं 4 + 3 + 2 + 1। तो टेक्निकली जो प्रोग्राम फैक्टोरियल का है वही प्रोग्राम समीशन का भी है, बस हमें फॉर्मूला चेंज करना है कि अगर n 0 है तो हमें 0 मिलेगा, n 1 है तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हमें मिलेगा n प्लस f ऑफ n माइनस 1। तो बस जहां पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन था वहां पे प्लस का साइन आ चुका है। दोस्तों रिकर्जन के और भी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी। हम बाइनरी के साथ साथ ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बना सकते हैं फाइंडिंग जीसीडी एंड एलसीएम। जीसीडी को हम एससीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमेशा की तरह हम बात करेंगे हाउ इट वर्क्स की।
हमें एक नंबर दिया गया डेसिमल 10 में, जैसे हमें नंबर दिया गया 13 और हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें स्कूल लाइफ में सिखाया गया था कि जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना तो हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, 2 6 12, यहां पे हम रिमाइंडर नोट करते जाते हैं। तो 2 6 12 तो रिमाइंडर 1 बच गया। अब फर्दर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 6, रिमेनिंग बचा 0, 2 1 2, रिमेनिंग बचा 1। अब ये 1 फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो हमें इसका आंसर मिलेगा 1101। ऐसे में स्कूल लाइफ में सिखाए जाते थे कुछ नंबर्स का जीसीडी और एलसीएम। तो जैसे दो नंबर है एम और एन, ये होते हैं जीसीडी इंटू एलसीएम के बराबर। इस कारण से जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो हम एम इंटू एन अपॉन जीसीडी करते हैं। जैसे एग्जांपल, मुझे एम दिया गया है 18 और एन दिया गया है 8, हम इनके फैक्टर्स निकाले। तो एम के फैक्टर्स कौन कौन से जो उसे डिवाइड कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या है। इसे 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 6 9 18, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एम। अब एन इक्वल टू 8 है, अब 8 से कौन कौन डिवाइड, कौन कौन से डिवाइड हो सकता है 8, एक तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे, कॉमन फैक्टर्स थे 1 और 2, जबकि हाईएस्ट कॉमन क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 2, जिस कारण से जीसीडी 2 आ गया। तो यहां पे जीसीडी आ गया 2। और हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम इक्वल टू नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन जीसीडी। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 9 जा। शायद 8 9 जो 72 होता है, तो उस केस में हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा 72। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इनकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि कैसे इनको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।